गुड मॉर्निंग, भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल वाली क्लास में आपने टेस्ट दिया होगा, है ना, और आंसर की भी आपको डाल दी गई थी, और उसके बाद आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं कितने नहीं बने हैं। अब अपन इससे जो कल वाला पेपर है उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, और आप देख लो भी जहाँ आपको गलती लग रही है, जहाँ समझ में नहीं आया है वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आपको हुई है, फिर बता देना कि सर यहाँ ये दिक्कत है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कल वाला जो टेस्ट है उसको। पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, व्यतिकरण प्रतिरूप दर्शाने के लिए हमें ऐसे प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है जो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। व्यतिकरण के लिए आप पहले भी जानते हो कि व्यतिकरण जो होता है उसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे तरंग कैसे प्रकाश स्रोत आपके पास होने चाहिए, आपको ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है, लगभग समान आवृत्ति के होने चाहिए। ये हमने कहा भी था कि समान आवृत्ति क्या, एक ही आवृत्ति होनी चाहिए प्रकाश स्रोतों की, क्या होनी चाहिए, एक ही आवृत्ति होनी चाहिए, समान आवृत्ति के होने चाहिए। ठीक है, ये तरंगे समान आवृत्ति के होनी चाहिए, बात ठीक है, थोड़ी थोड़ी दोनों ही ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठीक है। भिन्न तरंग दैर्ध्य की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की अगर आप प्रयुक्त करोगे तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें तो क्या होगा, उनमें व्यतिकरण सही से नहीं हो पाएगा, है ना, ये वाली दिक्कत होगी। फिर दय में क्या कह रहा है, समान आवर्ती तथा निश्चित कला संबद्ध की, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आवर्ती क्या होना चाहिए, उन तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान आवर्ती की। हमने कहा था ना मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय, एक वर्णीय होनी चाहिए। ऐसे अपन ने बात का, एक वर्णीय होने का मतलब क्या है, एक ही आवृत्ति होनी चाहिए, सेम आवृत्ति की, न्यू वन, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, न्यू एक ही होनी चाहिए दोनों की, ठीक है, या न्यू समान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी अपने पास, हमने पहली बात बताई थी कि प्रकाश स्रोत हमेशा कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध तो होने ही होने चाहिए, ये तो है ही, डेफिनेटली ऐसा तो होना ही चाहिए, कला संबद्धता का गुण तो उनमें होना ही होना चाहिए, बिना कला संबद्धता के आपको व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, इसलिए सबसे ज्यादा सही ऑप्शन आपके पास देखा जाए तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर, द क्या, समान आवृत्ति और निश्चित कला संबंध की होनी चाहिए आपके पास तरह। ठीक है, आंसर टू देखो क्या रहेगा, आंसर टू क्या है, आई नोट आवृत्ति का अध्रुवित प्रकाश एक पोलेरॉइड पर आपतित होता है, आवृत्ति का वह भाग जो इसमें से पारगमित नहीं हो पाता, देखना नहीं पे मैंने टिक भी किया था, आपके पास एक पोलेरॉइड दे रखा आपको ये वाला, है ना, ऐसा आपको पहले भी बताया हुआ था, हमने कहा था कि ये सपोज पोलेरॉइड की एक्सिस है, ठीक है, और इस पर आपतित प्रकाश किरण ये वाली है, हमने ऐसा बताया था, है ना, ये प्रकाश किरण थी आपतित, यहां कहा था कि ये जो अध्रुवित प्रकाश था आपको यहां मिल रहा था, ये अध्रुवित प्रकाश मिल रहा था आपको, ठीक है, ये इधर भी कंपोनेंट थे उसके यू, और ये पोलेरॉइड था, ठीक है, ये उसकी प्रकाशिक अक्ष थी, याद आया तो कुछ, हमने कहा था कि इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर जो चीजें थी वो तो क्या हो रही थी, गुजरी जा रही थी, और जो बाकी घटक थे वो क्या हो रहे थे, रुक रहे थे। हमने कहा था कि इन कंपोनेंट्स को हम क्या कर रहे थे, केवल दो भागों में तोड़ रहे थे, कौन कौन से भाग में, एक तो ये वाले कंपोनेंटों में ले रहे थे इनको, और एक ये इसके लंबवत वाला, ठीक है, हमने कहा था कि इन सारे कंपोनेंट को अपन इन दो परपेंडिकुलर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या स्थिति बनती है, हमने कहा था कि जो कंपोनेंट इस प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं वो तो गुजर जाते हैं इधर, ये तो आपको मिल जाएंगे इधर, बाकी इधर वाले जो कंपोनेंट थे वो आपको मिलेंगे नहीं, ऐसा कहा था ना, ये वाली बात हुई थी। फिर हमने कहा था कि अगर यहाँ आई वन बराबर कितना है, आई नॉट है, ठीक है, तो इधर जो तीव्रता है वो देखो अपन अगर दो भागों में भी तोड़े तो आई नॉट बाई टू, इधर आई नॉट बाई टू, इधर से अपन तोड़ लिए अपन ने घटक में, तो क्या होगा, इधर आधी तीव्रता बचेगी, कितनी, आई टू का मान कितना बचेगा आपके पास, यहाँ आई नॉट बाई टू, तीव्रता आधी बचेगी।
अभी आधी तीव्रता बच रही है ना, आधी तीव्रता बच रही है। आपसे पूछा जा रहा क्या कि वह भाग जो इसमें से पारगमित नहीं हो पाता, तीव्रता I1 थी दी गई थी, I0 दी गई थी आपको, और मिल कितनी रही है I0 by 2, तो बची कितनी I डैश, बची कितनी I0 इंसिडेंट थी, I0 by 2 आपके पास बाहर मिल रही है, तो कितनी बची आपके पास I0 by 2, जितनी जा रही है उतनी बच गई। तो आधा भाग इस तीव्रता का ऐसा था जो पारगमित नहीं हो पाता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना रहेगा ए, ये सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन, द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी को 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। दो रेखा छिद्र हैं S1 और S2, सपोज इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है d है, हमने कहा था कि अब इनको बढ़ा दिया गया, इनके बीच की दूरी को अब S1 यहाँ ले लिया और S2 कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, और ये d डैश है, ये कितना हो गया 10d हो गया, इसका कितना हो गया 10 गुना हो गया, ये अगला कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, पहले इन इनके बीच की दूरी यहाँ तक था, सपोज पर्दा, ये पर्दा था ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी थी, अब सपोज पर्दा यहाँ पर है ना, और ये जो दूरी है डी डेस ये होगी कितनी डी बाई टू हो गई, आधी हो गई, ये पर्दा है, ये दो स्लिट थी आपके पास, ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, फ्रिंज चौड़ाई लेमडा बराबर सॉरी बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेमडा के बारे में कोई बात कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ भी लेमडा वन का मान भी कितना, लेमडा का मान कितना, लेमडा ही है, यहाँ लेमडा है और यहाँ भी क्या है लेमडा डेस बराबर भी क्या है लेमडा ही है, ठीक है, लेमडा अभी चेंज नहीं करी, इसका मतलब लेमडा सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहली वाली कंडीशन में है, बीटा का मान कब है इस वाली कंडीशन में, अब बदली हुई कंडीशन में बीटा क्या होगा, नया बीटा होगा बीटा डेस बराबर लेमडा डेश डी डेस अपॉन स्मॉल डी डेस, ये होगा। लेमडा डेस का मान कितना है आपके पास, लेमडा डेस लेमडा के बराबर ही है ये रहा, और स्मॉल डी कितना है कैपिटल डी सॉरी कैपिटल डी कितना आधा हो गया, तो ये कैपिटल डी बाई टू हो गया, गुणा बटा में डी है इसलिए वन अपॉन कितना, ये स्मॉल डी डेस कितना है डी डेस है टेन डी, टेन डी वन अपॉन ट्वेंटी इंटू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये समीकरण एक से रख दो यहाँ पे, तो कितना है बीटा डेस बराबर बीटा अपॉन ट्वेंटी। तो पहले वाली जो आपके पास फ्रिंज चौड़ाई थी उसका एक बट्टा बीस गुना रह जाती है चौड़ाई, कितनी हो जाती है चौड़ाई एक बट्टा बीस गुना हो जाती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर सी स तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखोगे, कह रहा आपसे तेल की पतली फिल्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, मान लिया आंसर नंबर चार, तेल की पतली फिल्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश में फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है, हमने बताया था पतली फिल्मों में व्यतिकरण, एक नाम लिखा था पहले है ना, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, पतली फिल्मों में व्यतिकरण है ना, इसमें अपन ने बताए थे काफी एग्जांपल, पतली फिल्मों के रूप में अपन क्या बताया था साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला यानी साबुन का जो पानी होता है सर्फ का पानी होता है उसमें जो बुलबुले बनते हैं वो बुलबुला, तेल की पतली परत, परत, ये जो सारी चीजें थी इन चीजों में हमें रंगीन कलर दिखता है ना, श्वेत प्रकाश आपतित होता है, अपन अगर कहीं तेल गिरा हुआ है किसी पानी की सतह पर अपन देखते हैं वो फैला हुआ, अपन यूं यूं देखते हैं तो अपन को रंगीन दिखता है, ऐसा रंगीन दिखने का कारण क्या था, यही था पतली फिल्मों में व्यतिकरण की घटना होती है, और ये अपन ने पढ़ा भी था श्वेत प्रकाश में व्यतिकरण है ना,
क्योंकि बीच वाली फ्रिंज चौड़ाई तो क्या दिखती है, चमकीली श्वेत दिखती है, उसके आसपास रंगीन फ्रिंजें दिखती हैं, है ना, पतली फिल्म होती है, तो वो इसी का घटना का उदाहरण था। इसका मतलब अपने पास जो ऑप्शन बचता है, तेल की पतली फिल्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश में फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है वैतिकरण, ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाली घटना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। देखो हमारे यहाँ जो सिलेबस में था ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 5 विधियाँ थी। पहली विधि परावर्तन द्वारा, फिर अपवर्तन द्वारा, फिर द्वि अपवर्तन द्वारा, फिर अपने पास क्या था वो द्विवर्णता द्वारा, फिर प्रकीर्णन द्वारा था, ठीक है। तो हमने कहा था कि इनमें से एक विधि देखो कौन सी थी, आपको ध्यान हो तो, कौन सा, द्वि अपवर्तन द्वारा, याद है क्या, याद है क्या, द्वि अपवर्तन द्वारा। उस द्वि अपवर्तन द्वारा जो अपन कर रहे थे, तब ने कहा था कि किसी ऐसा जो आपके पास मटेरियल होता है, डिवाइस होती है, उस पर अगर अपन प्रकाशीय कक्ष के अलावा प्रकाश आपतित कराते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में एक ही प्रकाश किरण अध्रुवित प्रकाश किरण दो किरणों में बंटती है, उस और एक किरण ई किरण कहलाती है और दूसरी ओ किरण कहलाती है। ई किरण जो थी उसके कंपन एक विशेष तल में होते हैं, तल कागज के तल में, और ओ किरण कागज के तल के लंबवत, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती है, ऐसा कहा था ना। और अपने कहा था कि इसके बाद जो अपने द्वि अपवर्तन की घटना देखी थी उसमें एक नया डिवाइस का नाम देखा था, निकोल प्रिज्म, जो कैल्साइट का बना था, याद है क्या आपको, निकोल प्रिज्म। इसमें निकोल प्रिज्म में कौन सी घटना होती है, द्वि अपवर्तन की घटना होती है, और द्वि अपवर्तन की घटना द्वारा अपन क्या करते हैं, याद करो, देखें, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। है ना, तो निकोल प्रिज्म की सहायता से अपन क्या प्राप्त करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं, आपको याद हो तो। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, पहला ही ऑप्शन है निकोल प्रिज्म, इसका मतलब ऑप्शन एप तो अपन को पता चल गया। बह द्विप्रिज्म, ये फ्रेनल द्विप्रिज्म होता है, अपने नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, फ्रेनल द्विप्रिज्म बिल्कुल होता है, ऐसा द्विप्रिज्म भी होता है, है ना, और इसकी आकृति ऐसी होती है कुछ ये वाली, है ना, ये आकृति होती है, ये एंगल 179 डिग्री का होता है, और ये एंगल आधा डिग्री का होता है, और ये एंगल भी आधा डिग्री का होता है, ऐसा था, है ना। और इस पर अपन यहाँ तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करते हैं, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य का, तो ये क्या करता है, यहाँ और इस भाग से क्या करता है, अलग अलग भागों में बांट देता है, तरंगागर का विभाजन करता है, और दो आभासी प्रकाश स्रोतों की तरह व्यवहार करवाता है, प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं इससे, और आगे वापस अध्यारोपित होकर के ये पर्दे पर क्या देते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप देते हैं। पर्दे पर कौन सा प्रतिरूप बनता है, व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है। इसका मतलब जो फ्रेनल द्विप्रिज्म है वो तो व्यतिकरण प्रतिरूप दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है, आपतित जो तरंगागर है उसका क्या किया जाता है, तरंगागर का विभाजन किया जाता है उससे, तो इसलिए उससे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं किया जाता, इसका मतलब द्विप्रिज्म नहीं। हाँ, ध्रुवणता मापी, हमने एक चीज कही थी कि जो पोलेरॉइड होता है, है ना, वो ध्रुवित प्रकाश तो देता है ना, लेकिन हमने कहा था कि इस पोलेरॉइड को दो प्रकार से काम में ले सकते हैं, है ना, पोलेरॉइड का जो उपयोग था वो कितने प्रकार से ले सकते हैं, दो प्रकार से, ध्रुवणता मापी पोलेरॉइड, आपको कहा था कि दो प्रकार से इसको काम में ले सकते हैं। पहला तो इसका काम क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, इससे पहले पहला जो तरीका है वो तो इसका क्या होता है, पोलेरॉइड का ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, उसको अपन ध्रुवक कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवक। अगर ये यहां नाम दे देते ना ध्रुवक, तब तो अपन इसको मान लेते कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी देता है समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवक देता है। दूसरा क्या होता है, इस ध्रुवक से जो प्रकाश मिलता है वो किधर ध्रुवित है, उसका पता लगाने के लिए ध्रुवण मापी, कि वो कितने डिग्री पर किधर उसके कंपोनेंट आ रहे हैं, किधर नहीं आ रहे हैं, किस दिशा में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का ओरिएंटेशन है, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए इस पोलेरॉइड का उपयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है ध्रुवणता मापी। ये केवल मापन करता है ना, इससे अपन समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं करते, ये मापन करता है, इसलिए ध्रुवणता मापी नहीं है, ध्यान रखना।
और लास्ट में इसके ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ए तो है, निकोल प्रिज्म तो है, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 5 निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट क्या है, यदि यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग को वायु की जगह पानी में रख दिया जाए तो निम्न में से कौन सा सही होगा। अब ये सारी चीजें फ्रिंज चौड़ाई पर ही फोकस कर रहा है, तो अपन जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, आंसर कितने का है, 6। हाँ, बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये वाली बात है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर अपन इसको, ये तो एयर में है, ये किस में है, एयर में है, ठीक है। अब अपन को किस में देखना है, वाटर में, इन वाटर बीटा डैश देखना है। हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल जो डिस्टेंसेस होती हैं वो तो सेम ही रहती हैं, डी इसमें भी उतनी रहेगी, डी कैपिटल डी इसमें भी, या आप यूँ कहोगे कि सर डी प्रकाश से तो तय करके जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही घटना रहेगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो दो प्रकाश स्रोत रखे हुए हैं जिस दूरी पर, वो तो उतनी दूरी पर रहेंगे, पानी में रख दो चाहे यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रकाश जहाँ से उन स्लिटों से निकलता है, तो वो स्लिट और वो पर्दा वो भी इतनी दूरी रहेगी, अपन ऐसा कैसा पानी में टिका रहे हैं, तो ये डी और ये बीच की दूरी डी, ये तो सेम रहेगी, इसका मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम ही रहेगा, समझ गए। अब ये लेमडा डेस का क्या मीटर है, लेमडा डेस, लेमडा जो होता है वो क्या होता है, लेमडा डेस क्या होगा, लेमडा अपॉन म्यू। अगर किसी लेमडा तरंग देर दे के प्रकाश को अगर अपन पानी में ले जाएं, तो या किसी और दूसरे माध्यम में ले जाएं जिसका वर्तनांक म्यू है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन आता है, लेमडा डैश, कितना परिवर्तन आता है, लेमडा डैश परिवर्तन आता है, ये वाली स्थिति होती है। इसलिए अब क्या करें, लेमडा डैश कितना रखें, लेमडा अपॉन म्यू, तो क्या हो जाएगा अपने पास, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 1 अपॉन म्यू, ये कितना है बीटा, तो बीटा डैश कितना हो गया, बीटा अपॉन म्यू। और आप जानते हो कि म्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1, 1 तो एयर का है, और कोई माध्यम में पानी अपने पास है तो पानी का तो एक से ज्यादा है 1.33, इसलिए कितना हो जाएगा, बीटा डैश जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक से बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, किसी राशि में एक से बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, इसलिए जितनी संख्या बटा वाली बड़ी होती जाएगी, ये राशि उससे उतनी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, समझ गए बात। इसका मतलब क्या होगा, बीटा डैश इज लेस देन बीटा, बीटा पहले की अब कितनी हुई, कम, तो पहले से क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई पहले से क्या हो जाएगी, बीटा घटेगी, बिल्कुल ठीक है घटेगी, बढ़ेगी ना, वहाँ कोई फ्रिंज नहीं बनेगी, ऐसा भी नहीं है फ्रिंज नहीं बनेगी, बनेगी फ्रिंज चौड़ाई या परिवर्तित रहेगी ना, ये तो चेंज हो गई, इसलिए बीटा का मान क्या होगा, कम होगा, ए ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वेतिकरण निम्न में से किस प्रकार की तरंगों में होता है ना, इसमें देखो अनुदैर्ध्य दे रखी है, अनुप्रस्थ दे रखी है, विद्युत चुंबक दे रखी है, उपयुक्त सभी दे रखी है ना, तो हम कह रहे हैं कि वेतिकरण की जो घटना है इसमें होता क्या है, अगर आपके पास तरंगे हैं है ना, तो उनका क्या होगा, अध्यारोपण, क्या होगा, अध्यारोपण, एक दूसरे के साथ क्या होंगी, मिलेंगी, मिलकर के क्या करेंगे, अपनी तीव्रता का पुनर्वितरण करेंगे, बस इतना सही काम होता है, तो तरंगों का मिलना होता है एक तरह से, हाँ मिले तब सेम प्रकृति की होनी चाहिए, इसका मतलब आपके पास अगर अनुदैर्ध्य तरंग है, कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो दूसरे वाली तरंग भी क्या होनी चाहिए, अनुदैर्ध्य होनी चाहिए, यह अपन ने कहा था कि प्रकृति दोनों की क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जैसे ध्वनि तरंगे, उनका भी क्या होता है, व्यतिकरण होता है, इसलिए ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण प्रभाव देखने को मिलता है, इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। और दूसरी अनुप्रस्थ अगर अपने पास है तो दूसरे प्रकार की भी क्या होनी चाहिए, अनुप्रस्थ ही होनी चाहिए, सेम सेम प्रकार की तरंगों का क्या होता है, अध्यारोपण होता है, क्योंकि अपन ने कहा था कि इन उच्छिष्ट उच्छिष्ट के साथ मिलता है, निम्निष्ट निम्निष्ट के साथ मिलता है, या दूसरी स्थिति में क्या मिलता है, उच्छिष्ट निम्निष्ट के साथ, या एक का निम्निष्ट दूसरे के उच्छिष्ट के साथ मिलता है ना, तो प्रकृति दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे ही ध्वनि तरंगों में क्या होना चाहिए, विस्पंद विस्पंद के साथ मिलता है, निष्पंद निष्पंद के साथ मिलता है, या विस्पंद निष्पंद के साथ मिलता है, समझ गए।
इसका मतलब ये वाली स्थिति दोनों में ही होती है। और ये जो अपने पास तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें, ये कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी तो होती हैं, आपने देखा प्रकाश का व्यतिकरण होता है, हाँ होता है। इसका मतलब प्रकाश तरंगें मैक्सवेल ने कैसे बताई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा व्यतिकरण, इसलिए होगा तो अपने पास आएगी। इसलिए उपयुक्त क्या होगी? सभी, यानी व्यतिकरण की जो घटना वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि तरंग की नेचर क्या, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, या और कोई आपके पास जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का क्या होगा? व्यतिकरण होगा। इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8, आंसर 8 क्या कह रहा है देखो, किन्हीं दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, I1/I2 आपको दे रखा, कितना? 4:1 दे रखा है। इनके आयामों का अनुपात होगा, आप जानते हो कि जो तीव्रता होती है ना, प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर, आयाम के स्क्वायर के बराबर। हम कह रहे हैं कि आई वन कितना होगा, के आ गया सपोज, यानी आई बराबर क्या आ गया, कोई कॉन्स्टेंट, के इंटू ए स्क्वायर, तो आई वन कितना होगा, के इंटू ए वन स्क्वायर, और आई टू कितना हो गया, के इंटू ए टू स्क्वायर। आई अपॉन वन अपॉन आई टू कितना हो गया, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, या ए वन अपॉन ए टू कितना हो गया, अंडर रूट आई वन अपॉन अंडर रूट आई टू, मान रख दो, रूट आई वन अपॉन आई टू, रूट आई वन 4:1 कितना हो गया, 2:1, इसका मतलब आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन कौन सा सही है? ए, पहला ही सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों में उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है, ध्वनि तरंगें, दूसरी कौन सी, प्रकाश तरंगें, दोनों में एक तो डिफरेंस क्या है, ध्वनि तरंगें कैसी हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की हैं, कैसी हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति की, और ये कैसी हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की है। पहली बात तो हो गई, ठीक है, ये तो अपन ने इनका नाम लेते ही पता कर लिया कि ये इनका गुण होता है, अपन को पता है। फिर कह रहा है कि इनमें व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना ध्वनि में भी होती है क्या? व्यतिकरण होता है, अभी तो बताया था कि अगर तरंग अनुदैर्ध्य तो भी व्यतिकरण होगा, और अनुप्रस्थ तो भी क्या होगा, व्यतिकरण तो होगा, ये घटना तो दोनों में ही क्या होगी, होगी। फिर क्या कह रहा, विवर्तन, अब विवर्तन भी क्या कह रहा है कि भाई मैं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं करता, क्योंकि ध्वनि तरंगें भी मुड़ती हैं, विवर्तन, जैसे उस गली में कोई आवाज़ लगा रहा है तो यहाँ सुनती है ना, इसका ध्वनि तरंगों का क्या होता है, विवर्तन होता है। इसका मतलब विवर्तन भी इस प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता कि तरंग दैर्ध्य कैसी है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, वो तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तरंग दैर्ध्य है वो द्वारक के आकार की कोटि की है या नहीं है। इसलिए विवर्तन भी दोनों में क्या होगा, होगा दोनों में ही कॉमन, इसका भी होगा विवर्तन, इसका भी होगा। फिर तीसरी क्या बची, कला संबद्धता, हाँ ये बात दोनों में ही होनी चाहिए, तो जब ये घटनाएं व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, तो तरंगें कैसी होनी चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए, ये हम जानते हैं, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। अब एक घटना और बच गई, ध्रुवण है, और हमने कहा था कि ये ध्रुवण की घटना केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, किनका गुण है, केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं होता। इसका मतलब ध्वनि तरंगों में ये नहीं होता, जबकि प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, इसलिए ये दोनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब ध्रुवण, ऑप्शन डी, ठीक है। मैंने कहा था ना याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्या, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निम्न में से किसको बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं? विभेदन क्षमता कितनी होती है दूरदर्शी की, कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा, याद है क्या फॉर्मूला, यही तो था, कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा विभेदन क्षमता। क्या कह रहा है, किसको बढ़ाकर बढ़ानी है, यह विभेदन क्षमता का मान क्या करना है, बढ़ाना है। अगर ये बढ़ाना है तो d क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेमडा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए,
यही होना चाहिए ऊपर वाले फॉर्मूले की सहायता से। तो अपन क्या कर सकते हैं, डी को बढ़ा सकते हैं और लेमडा को क्या कर सकते हैं, घटा करके इसका मान क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अपने यहाँ क्या कह रहा है, किसको बढ़ाकर, लेमडा को बढ़ा, पहला ऑप्शन ए तरंग देर दे, नहीं तरंग देर तो घटाने पर बढ़ेगी ये, इसका ऑप्शन ए गलत। अभिदृश्य का व्यास, ये डी क्या है, अभिदृश्य का व्यास है, ये किसका व्यास है, अभिदृश्य लेंस का द्वारा किया व्यास, आप कहते थे ना ये व्यास है, इसको बढ़ा सकते हो, हाँ बिल्कुल इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगी, तो ऑप्शन बी सही है। अभिनेत्र का व्यास, जो आंख के पास था उसका ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी बढ़ाने की। अभिनेत्र की फोकस दूरी ना, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो इनमें से क्या होगा, ऑप्शन बी बै अभिदृश्य का व्यास बढ़ाना पड़ेगा आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टफ तो दिए ही नहीं आपको, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण, एक इलेक्ट्रॉन मास कितना Mb, एक अल्फा कण, अल्फा मास कितना एम अल्फा 4 Mp, प्रोटॉन के 4 गुने के बराबर होता है अल्फा कण, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग अपन ने क्या माना है Mp अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या मान रहे हैं Mn मान रहे हैं, और एक प्रोटॉन इसका मास कितना Mp, ठीक है। मास कैसा रहता है तीनों का, एम अल्फा का सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद प्रोटॉन का, और उसके बाद किसका एम इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास और सबसे ज्यादा किसका है अल्फा कण का मास है, ये अपन को पता चल गया। इनमें से किस कण से संबंध देव रोगली तरंग गतिज ऊर्जा का मान समान है तीनों की, तो अपने पास क्या दे रखा है के अल्फा बराबर के पी बराबर के ई, तीनों का मान बराबर दे रखा है। अगर तीनों का मान बराबर दे रखा है तो अपने पास देव रोगली तरंग देर दे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देव रोगली तरंग देर दे, लेमडा कितनी होगी, लेमडा एच अपॉन पी या एच अपॉन √2m k, ये होगी। तो अब देखो यहां लेमडा अल्फा के लिए क्या होगा, एच अपॉन √2m α/k α, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एच अपॉन √2m α/k, क्योंकि k तो बराबर है, ये तीनों को अपन k मान लेते हैं, बराबर है। फिर लेमडा प्रोटॉन के लिए एच अपॉन 2 Mp/k, उसके लिए भी k सेम, Mp चेंज है। लेमडा इलेक्ट्रॉन एच अपॉन √2me/k, उसके लिए भी k सेम, ठीक है। तो क्या होगा, ये राशि सेम है तीनों में, √2k √2k सही है, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा जो अल्फा है यहाँ पर, लेमडा अल्फा प्रोपोर्शनल है 1/√m α, और यहाँ से लेमडा पी प्रोपोर्शनल है 1/√mp, और यहाँ से लेमडा ई प्रोपोर्शनल है 1/√mE, ठीक है। अब m में देखो सबसे ज्यादा अल्फा का है मास, ये बहुत सबसे ज्यादा, तो ये सबसे कम होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो सबसे ज्यादा तो ये होगी क्योंकि सबसे कम मास इसका है, और सबसे ज्यादा मास इसके लिए सबसे कम क्या होगी अल्फा की, तो सबसे कम तरंग देर दे पूछ रहा क्या, देखो तरंग सबसे कम होगा अल्फा कण के लिए होगा, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर कितना है सी से, ऑप्शन से अल्फा कण के लिए होगा। नेक्स्ट देखो, यदि फोटोसेल में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 6 eV है, के मैक्सिमम mv max² 6 eV, हम जानते हैं चूंकि 1/2 mv max² बराबर कितना ev0, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, ये तो अपन दोनों जानते ही हैं, तो ev0 कितना हो गया 6 eV, तो V नॉट कितना हुआ 6 eV/E, ई से ई कैंसिल, क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये केवल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ V नॉट बराबर कितना हो गया 6 V, ये तो सबसे सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 13 क्या कह रहा है, कोई धातु की सतह उस पर प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये बता रहा है, ठीक है।
प्रकाश के धातु की सतह पर आपतन से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? हमने साफ साफ बात कही थी प्रकाश विद्युत प्रभाव के डेफिनेशन में कि अगर प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश संवेदी धातु की सतह है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन द, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, ये एक्सरे में देखेंगे अपन, है ना। एक्सरे जब आएगा तो उसमें पता चलेगा कि अगर एक्सरे को अपन इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी परमाणु पर, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कौन से प्राथमिक होते हैं, कौन से द्वितीयक होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, ऑक्सी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना। ये वाला होता है। इसमें बै जो है तापायनिक उत्सर्जन, ये हमने देखा था डेविसन जर्मर प्रयोग में, हमने फिलामेंट को गर्म किया था ना, तो उस क्षण फिलामेंट को गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वो ताप के कारण हुए थे, फिलामेंट गर्म होने से, वो तापायनिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको अपने वाला केस में ये क्या कहलाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और इनसे बहने वाली धारा का नाम क्या था? प्रकाशिक धारा था। नेक्स्ट, यदि किसी प्रकाश संवेदी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए, न्यू डेस कितना कर दिया? 2 न्यू कर दिया। पहले न्यू थी आवृत्ति, है ना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए तो निरोधी विभव का मान होगा। हम जानते हैं निरोधी विभव कितना होता है, कितना था, आपने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी? एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ये तो थी। तो हमने ये भी कहा काइनेटिक एनर्जी, और हम ये भी जानते थे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ई वी नॉट। तो बराबर कर दो इन दोनों को, तो कितना आया? ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट। देखो जरा, यहाँ से वी नॉट चाहिए, निरोधी विभव पूछ रहा है ना, तो वी नॉट रखो इधर, ये एच अपॉन ई इधर आ गया, इंटू न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये अपने पास निरोधी विभव और इस आवृत्ति में संबंध था, जो सरल रेखीय संबंध दर्शाता है, साफ सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कह रहे थे, अब यहाँ ये जो अपने पास स्थिति है न्यू, अब इसको क्या कर दिया? न्यू डेस कर दिया, तो वी नॉट भी क्या हो गया? वी नॉट डेस हो गया। और कर कितना दिया न्यू को? डबल एच अपॉन ई, तो उतना ही रहता है, इंटू टू न्यू कर दिया आपके बार, माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। मैं एक काम करूंगा, ये मान आ गया, अब ये तो पता नहीं चला इसका दुगुना है कितना, सीधा सीधा तो पता नहीं चल रहा, तो अपन एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस टू को बाहर ले लो, टू क्या रह गया यहां, ये इधर आ गया, टू एच ये हो गया, माइनस ये फाइव नॉट अपॉन ई, इसमें एक घटा दो फाइव नॉट अपॉन ई और एक फाइव नॉट अपॉन ई जोड़ दो, क्यों, अपन को तो ऐसा फॉर्मूला बनाना है ना, ताकि अपन वी नॉट से तुलना कर सके। अब देखो ये टू हो गया, तो मैं यहां से ए टू कॉमन ले लूं, इनका एक टू कॉमन ले लूं, तो टू कॉमन आ गया, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई प्लस फाइव नॉट अपॉन ई, ये कितना है? ये वाला, ये वी नॉट ही है ना, देखो, इसलिए ये वी नॉट है अगर, तो मेरे पास क्या स्थिति बन गई, ये वी नॉट डेस बराबर कितना? टू वी नॉट प्लस फाइव नॉट अपॉन ई। आप जानते हो कि ये जो फाइव नॉट होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी ऊर्जा देनी पड़ती है अपन को बाहर निकालने के लिए, इसका मान कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव ही, इसका मतलब ये इतनी क्वांटिटी क्या हो रही है, इस टू वी नॉट से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब अब वी नॉट डेस कितना हो गया, इस वी नॉट के दुगुने से भी ऐड हो रही है कुछ राशि, इसका मतलब ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन क्या है इसमें, लास्ट द, दुगुने से भी ज़्यादा। इसमें गच्चा खाए होंगे मुझे पता है, है ना, इसमें थोड़ा बहुत गच्चा खाया आप लोगों ने, है ना, ऐसे करना होता है। तुलना जब करनी होती है तो अपन को वो पहले वाला स्वरूप बनाना होता है, ताकि उससे तुलना करें तो उसका स्वरूप अपन यहाँ लिख सके, इसलिए अपन चेंज करते हैं। फिर क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 15, आंसर 15 क्या है? निरोधी विभव वी नॉट की निर्भरता अपन को देखनी है। निरोधी विभव वी नॉट निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, बिल्कुल करता है आवृत्ति पर, तो अभी तो फॉर्मूला आया था एच अपॉन ई कितना, न्यू माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, न्यू पर डिपेंड करता है, फाइव नॉट कार्य फलन पर निर्भर करता है। और आप एक चीज बताना, ये जो फाइव नॉट होता है ये क्या होता है? कार्य फलन। ये किस पर डिपेंड करता है? धातु की प्रकृति पर, धातु या पदार्थ की
बताया था ना हमने, अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है, फाई का मान अलग अलग होता है, ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता दर्शाता है। इसका मतलब V नॉट है वो किस किस पर निर्भर करेगा, आवर्ती पर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर करेगा, तीव्रता पर नहीं करेगा, है ही नहीं तीव्रता, है ना, इसलिए तीव्रता पर निर्भरता नहीं दर्शाता। ये तीन चीजें सही हैं और इसमें तीनों ही दे रखी है मैंने। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर बिल्कुल निर्भर करता है, उत्सर्जक की प्रकृति पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर नहीं, बिल्कुल नहीं करता, उपयुक्त सभी पर, सारी चीजें सही ऊपर वाली तीनों, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है इसका, डी। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन का ध्यान नहीं रहा होगा, ध्यान देना, फाई पर निर्भर करता है। इसका मतलब फाई किस पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, एक बटा दो एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर कितना, एच न्यू माइनस फाई नॉट, यही तो आता है। किस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है क्या, नहीं, तीव्रता तो है ही नहीं, क्यों, ये मान किसके बराबर आता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निरोधी विभव पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या, निरोधी विभव आवर्ती पर निर्भर करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, इसका मतलब तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर बिल्कुल, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर कर रही है। दहली आवर्ती पर, हाँ दहली आवर्ती पर, फाई नॉट यही तो होता है, क्या लिखते हैं अपने इसे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अलग अलग पदार्थों की अगर न्यू नॉट अलग अलग है तो गतिज ऊर्जा भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अलग अलग होगी, न्यू नॉट पर करता है, बैवस है दोनों। इसका मतलब किस पर, आवर्ती और दहली आवर्ती दोनों पर करती है, दोनों ही है फॉर्मूले में, देखो दोनों पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन द। धातु ए तथा बी के कार्य फलन, फलन दे रखा है फाई ए और फाई बी दे रखा है। फाई ए कितना दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और फाई बी कितना दे रखा है, चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में किस धातु के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा, आप जानते हो कि फाइव बराबर एच न्यू नॉट होता है, फाइव बराबर कितना होता है, एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो यहां से लेमडा नॉट कितना आ गया, इधर आ गया, तो एच सी अपॉन फाइव नॉट। इसका मतलब अपने पास क्या है, लेमडा ए है, लेमडा ए है कितना, एच सी अपॉन फाइव ए, और लेमडा बी कितना है, एच सी अपॉन फाइव बी। ऐसे तो दोनों में कॉमन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, फाई ए जिसका तरंग, सॉरी जिसका कार्यफलन ज्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसका कार्यफलन कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कार्यफलन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ये कार्यफलन ज्यादा है तो ये वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इसका वेवलेंथ कौन सी के लिए कम होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव किस धातु के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा, बी के लिए, इस बी के लिए दहली तरंग दैर्ध्य क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है, ऑप्शन बी। बाय विभवांतर वी से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन की देवरोली तरंग दैर्ध्य का मान होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे दिया था मैंने, लेमडा बराबर कितना पढ़ते हो, 12.27 बटे रूट वी एंगस्ट्रॉम पढ़ते हो, एंगस्ट्रॉम कितना होता था, 10 माइनस 10, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12.27 बटे रूट वी गुणा 10^-10 मीटर। अब यहां से एक पॉइंट इधर किसका हूं, तो एक यहां कम हो जाएगा, तो 1.227 बटे रूट वी इंटू 10^-9 मीटर, और ये 10^-9 मीटर क्या कहलाता है, नैनो, इसका 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर। फॉर्मूला ही थोड़ा सा चेंज किया और कुछ नहीं किया, कितना आ गया, द ऑप्शन द, ये सही रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर था, उसका डिस्कशन था, अब आप इसमें से मिलान करें कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है, और इन दोनों चैप्टर को आप फिर ध्यान से पढ़ें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, अच्छे चैप्टर हैं, फिर कोई दिक्कत आती है तो पूछें। धन्यवाद।